हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बोर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर सभी स्टूडेंट का एक बार फिर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उसमें जनन की प्रोसेस के अंतर्गत जो हैं समझाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा के स्टूडेंट और गवर्नमेंट कॉलेज नौहर के जो द्वितीय वर्ष बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और इसको शेयर कीजिए ताकि इस जो लॉकडाउन की अवधि है इसके अंतर्गत अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, हम जुड़े रहें किताबों से और आपका समय भी जो है उसका सदुपयोग हो सके। आज का जो टॉपिक है वो हमें जो बीजांड के प्रकार हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो बीजांड द्वार, चिलेजा, हाइलम तथा बीजांड व्रंथ की स्थितियों के आधार पर बीजांड छह प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? छह प्रकार के हैं। बीजांड या जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं ये एंजियोस्पर्म में कुल मिलाकर के छह प्रकार के ओव्यूल हैं। इन छह प्रकार के ओव्यूलों को छह प्रकार के ओव्यूल्स में क्यों डिवाइड किया गया, इसका आधार रखा गया किस किस का, कि जो माइक्रोपाइल है जिसको हम बीजांड द्वार बोलते हैं, चेलेजा जिसको हम निभाग बोलते हैं, हाइलम जिसको हम नाभिका बोलते हैं और बीजांड व्रंथ जिसको हम फ्यूनिकुलस बोलते हैं। इन सब की जो आपस में पारस्परिक स्थिति कैसी है इसके आधार पर बीजांड्स जो हैं, ओव्यूल्स जो हैं, एंजियोस्पर्म में कितने भागों में बांटा गया ओव्यूल्स को, ओव्यूल्स को कुल मिलाकर के छः भागों में बांटा गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि ओव्यूल्स को, ओव्यूल्स के अंदर जितने भी जो चीज़ें हैं माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम, फाइनिकुलस, इनकी जो आपस में जो स्थिति हैं उसके आधार पर छह भागों में बांटा गया है। उसी क्रम में हम सबसे पहला जो बीजांड है वो है रिजु बीजांड या जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोट्रोफस। उसकी स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अच्छी तरह से इस स्क्रीन पर आप देखिए। इसके अंदर देखिए इस संरचना में इस प्रकार के बीजांड में जो चेलेजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस तीनों उद्गत रेखा में व्यवस्थित होते हैं, परंतु इस बीजांड में बीजांड द्वार हाइलम से विपरीत सिरे पर होता है। डायग्राम में साफ दिख रहा है कि बीजांड द्वार जो है वो जो हाइलम है उस हाइलम्स के विपरीत सिरे पर होता है और इस प्रकार के बीजांड में जो रेफे जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। देखो हमने डायग्राम में पहले जो बीजांड के जितने भी डायग्राम बनाए थे या सबसे पहले जो बीजांड की जो स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा की थी उसमें हमने रेफे बनाया था, तो इस प्रकार का जो ऑर्थोट्रोफस बीजांड है उसमें वो रेफे नहीं पाया जाता है। और जो ऑर्थोट्रोफस बीजांड है इस प्रकार के बीजांड एंजियोस्पर्म के अंदर मोस्ट सिंपल टाइप के होते हैं, ये मोस्ट सिंपल टाइप के ओव्यूल्स हैं और इस बीजांड को हम सीधा बीजांड भी कहते हैं क्योंकि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि माइक्रोपाइल सीधा है और उसके बाद इधर, तो एक बीजांड जो है ना सीधा है इसलिए इस बीजांड को हम रिजु बीजांड या सीधा बीजांड भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसको ऑर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें ये किस में पाया जाता है, तो पॉलीगोनम में, पाइपर में और बेटल जो है उसमें अंदर ये पाया जाता है, पान जो होता है इसको उसके अंदर ये बीजांड पाया जाता है। तो ये जो पहला प्रकार था वो है ऑर्थोट्रोफस या रिजु बीजांड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा जो आपकी स्क्रीन पे है वो है प्रतीप बीजांड या जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस बीजांड। इस यह बीजांड जो होता है ना इसकी स्थिति जो है जो पहला बीजांड था उससे थोड़ी हट करके होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड व्रंत में अधिक वृद्धि हो जाती है, फ्यूनिकुलस जो है ना उसमें अधिक वृद्धि हो जाती है जिससे बीजांड का जो शरीर है वो घूमकर उल्टा हो जाता है। जो पहला वाला जो था ना उससे क्या हो गया ये मुड़ जाता है पूरा और इस प्रकार बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत पर 180 डिग्री पर पूरा ही मुड़ जाता है। तो इस प्रकार के जो हम बीजांड को हम क्या कहते हैं, प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार नीचे की ओर होने के कारण इसे हमें प्रतीप बीजांड कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन इसके अंदर बन जाता है कि इसको प्रतीप बीजांड क्यों कहते हैं, प्रतीप का मतलब क्या हो गया कि ये उल्टा हो गया, बीजांड द्वार है नीचे की ओर हो गया। तो इस प्रकार के जो बीजांड हैं उसमें बीजांड द्वार माइक्रोपाइल नीचे की ओर होने के कारण इसको हमें प्रतीप बीजांड
कहते हैं। इस बीजांड में जो है ना, बीजांड द्वार तथा चिलेजा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। आप डायग्राम में देख लीजिए, बीजांड द्वार तथा चिलेजा है ना एक सीधी रेखा में है, परंतु बीजांड द्वार हाइलम के अधिक समीप आ गया है। उसमें तो जो पिछले वाला था उसमें बीजांड द्वार और हाइलम क्या थे, बहुत बहुत दूर थे, एकदम विपरीत सिरे में पर थे हाइलम और बीजांड द्वार। और इसमें क्या है कि जो बीजांड द्वार तथा हाइलम जो हैं वो थोड़े नज़दीक आ गए हैं, अधिक पास आ गए हैं। और इस प्रकार का बीजांड लगभग 80% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, अतः यह सबसे सामान्य प्रकार का ओव्यूल्स होता है। इसलिए इस बीजांड को एक प्रारूपिक ओव्यूल या प्रारूपिक बीजांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें कि एंजियोस्पर्म के कौन कौन से जो हैं फैमिलीज हैं उसमें इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं जैसे मालवेसी हैं, कंपोजिटी हैं, सोलेनेसी हैं, कुकुरबिटेसी हैं, इस प्रकार जो ये फैमिली है ना इसमें मुख्य रूप से ये बीजांड पाए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो तीसरा प्रकार है वो है अर्धप्रतीप। अर्धप्रतीप, अब देखो भाषा से पता चल रहा है कि अर्धप्रतीप का मतलब, प्रतीप का हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि प्रतीप में क्या हो जाता है, उल्टा हो गया था, प्रतीप में उल्टा, और ये पूरा उल्टा नहीं हुआ, आधा है, तो इसे क्या कहेंगे हमें, अर्धप्रतीप कहेंगे। वो था एनाट्रोफस, और इसे हम क्या बोल देंगे, हेमी एनाट्रोफस, हेमी जो होता है इसका मतलब आधा हो जाता है, तो इस बीजांड को हम क्या बोलते हैं, अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोफस बीजांड बोलते हैं। आप आपकी स्क्रीन पे इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का जो बीजांड जो होता है ना, इसमें बीजांड व्रंथ के पार्श्व में वृद्धि से जो लेटरल जो भाग हैं उस भाग के अंदर वृद्धि हो जाती है, थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ होने के कारण बीजांड का जो शरीर है वो इसके बीजांड व्रंथ पर 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। जो दूसरा प्रकार था उसमें 180 डिग्री पे घुमा था, तब तो बिल्कुल प्रतीप हो गया था, इसलिए उसको प्रतीप बीजांड कहा था। और ये पूरा नहीं घूमता 180 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे घूम जाता है, 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। इस प्रकार यह जो अनुप्रस्थ स्थिति में आ जाता है, कैसी स्थिति में आ जाता है, ये अनुप्रस्थ, ये देखो 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसे अनुप्रस्थ स्थिति में आ जाता है, इसलिए इस बीजांड को हम अनुप्रस्थ या क्षितिज बीजांड भी कहते हैं। दूसरे देखो कितने नाम हो गए इसको, हेमी एनाट्रोफस, इसको अर्धप्रतीप भी कहते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड भी कहते हैं, और अनुप्रस्थ इसलिए कहते हैं कि 90 डिग्री पे घूम गया, और क्षितिज बीजांड भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार के जो बीजांड में क्या होता है, अब देखो इस प्रकार के बीजांड में आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में साफ दिख रहा है कि इस प्रकार का जो बीजांड होता है इसमें बीजांड द्वार व चिलेजा एक सीधी रेखा में है। चिलेजा है निभाग, जिसको ब्रैकेट में देखो हिंदी में लिख रखा है, चिलेजा और बीजांड द्वार ये एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, परंतु बीजांड द्वार और हाइलम कुछ दूरी पर आ जाते हैं। पहला जो बीजांड था उसमें तो बहुत ज़्यादा दूरी है, दूसरे में 180 डिग्री पर घूम गया, तो माइक्रोपाइल क्या हो गया, हाइलम के नज़दीक आ जाता है बहुत, और ये 90 डिग्री पे हैं तो हाइलम के थोड़ा दूर रह जाता है। तो ये जो प्रकार था ये कौन सा था, हेमी एनाट्रोपस यानी कि अर्ध प्रतीप बीजांड। इस प्रकार के जो बीजांड हैं ये जो हैं मुख्य रूप से जो रेनिनकुलस फैमिली हैं उसमें पाया जाता है, प्राइमुला में उसके अंदर जो पाया जाता है, तो रेनिनकुलस जो टाइप्स के प्लांट्स हैं उस प्लांट्स में आप इसको देख सकते हो, जनरली उसके अंदर ये पाया जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं चौथे प्रकार के बीजांड की। चौथा प्रकार का जो बीजांड है उसको बोलते हैं एम्फीट्रोफस ओव्यूल। एम्फीट्रोफस ओव्यूल है ना, ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसको आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर बीजांड काय जो होता है न्यूसिलस उसमें अत्यधिक प्रभावी कर्व आ जाता है, वक्रण आ जाता है हिंदी में जिसको बोलते हैं, और जिसके प्रभाव से क्या होता है कि इसके अंदर का जो भ्रूण कोश जो होता है ना, वो देखो भ्रूण कोश जो है वो मुड़ जाता है, उसमें भी ऐसे बैंड सा आ जाता है, प्रभावशाली वक्रण होने के कारण, किसमें, न्यूसिलस या बीजांड काय जो होता है उसके अंदर अंदर वाले में आता है, तो जब भ्रूण कोश जो है वो मुड़ जाता है, तो इस प्रकार के बीजांड में न्यूसिलस तथा एम्ब्रियो सैक दोनों घोड़े की नाल की आकृति में आ जाते हैं, घोड़े की नाल की आकृति में आ जाते हैं, इसलिए इस प्रकार का जो बीजांड है उसको हम एम्फीट्रोफस बीजांड कहते हैं। इस बीजांड में क्या हो जाता है, बीजांड द्वार तथा चिलेजा एक सीधी रेखा में होंगे,
परंतु बीजांड द्वार हाइलम के कुछ समीप आ जाता है, रेफे इसमें उपस्थित होता है। जैसे डायग्राम में है रेफे जो बनाया हुआ है, कि रेफे जो होता है इस प्रकार का जो बीजांड जो होता है उसके अंदर रेफे उपस्थित होता है। ये जो है मीरेबेलिस, लेमना, पोपी प्लांट जो है पेपेवर सोमिनीफेरम उसमें, और एलिस्मा जो प्लांट्स हैं उसमें इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। पांचवा प्रकार जो है उसे कहते हैं हम कंपाइलोट्रोपस वक्र बीजांड, जो लेग्यूमिनेसी जो कुल है उसकी विशेषता है। तो जो वक्र बीजांड या कंपाइलोट्रोपस जो बीजांड है वो जो है जो आपकी स्क्रीन पे है, इसमें क्या होता है, इस बीजांड में बीजांड का शरीर अपने आप बीजांड वृंत पर इस प्रकार घूमता है या वक्रित होता है कि बीजांड द्वार तथा चिलेजा दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते। बीजांड द्वार और चिलेजा देखो इसमें सीधी रेखा में नहीं है, तो बीजांड में क्या है वक्रण होने के कारण क्या आ जाता है, जो न्यूसिलस जो है वो भ्रूणकोश दोनों जो हैं वक्र आवरण में उपस्थित जो होते हैं ना, परंतु इस बीजांड में बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है और इस प्रकार के बीजांड के अंदर जो रेफे जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इस प्रकार का बीजांड जो है मुख्य रूप से क्रूसीफेरी प्लांट जो कैप्सेला है, कैप्सेला के अंदर एंड जो लेग्यूमिनेसी प्लांट फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। छठा और अंतिम प्रकार का बीजांड है उसको कहते हैं सर्सिनोट्रोफस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोफस जो ओव्यूल होता है ना वो कुंडलित होता है, कुंडली से मार लेता है, इसलिए इसको कुंडलित बीजांड या कुंडलित ओव्यूल भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या वो और ज़्यादा वक्रण हो जाता है, कंटिन्यू घूमता ही घूमता जाता है। तो घूमने घूमने से क्या हो जाता है, इस बीजांड की जो है ना एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम सर्सिनोट्रोफस या कुंडलित बीजांड कहते हैं। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक कुंडलित बीजांड जो है वो दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इस बीजांड के अंदर जो फ्यूनिकुलस है बीजांड वृंत है वो वृद्धि करता है और वृद्धि करके इतना लंबा हो जाता है कि बीजांड का शरीर जो है ना चारों ओर से बीजांड वृंत के द्वारा घिर जाता है। और इस प्रकार इस बीजांड में बीजांड का जो शरीर है ना वो बीजांड वृंत पर घूम करके इतना घूमता है 360 डिग्री पर घूम जाता है। 360 डिग्री कोण पर घूमने के कारण इसमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी जो होता है ना वो वक्रण हो जाता है, क्रोव आ जाता है इसके अंदर। और इस प्रकार का जो बीजांड है उसमें बीजांड द्वार तथा चिलेजा एक सीधी रेखा उदग्र जो रेखा होती है उसके अंदर होते हैं, परंतु इसमें बीजांड द्वार जो है हाइलम के विपरीत होता है, बीजांड द्वार हाइलम के विपरीत सिरे पर उपस्थित होता है, रेफे इसमें उपस्थित होता है। इस प्रकार का जो बीजांड है वो कैक्टेसी कुल में पाया जाता है, नागफणी जो है वो कौनसिया उसमें पाया जाता है, प्लम्बेगो है उसमें पाया जाता है। तो आज का जो अपना वीडियो था वो मुख्य फोकस किस पर था, जो बीजांड जो हैं उस बीजांड का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के बीजांड से पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म में मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 6 प्रकार के बीजांड। दोनों कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, शाहपुरा पीजी कॉलेज भीलवाड़ा के और गवर्नमेंट नोहर कॉलेज के स्टूडेंट्स, दोनों बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो जो हैं ये वास्तव में ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बीजांड वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।